कैंडिडेट जो है वो पहले पीपल्स पार्टी के होते थे, अब्बासी साहब विश्वास थे, उनका भी घर है यहाँ पे पीपल्स पार्टी में। तो जो आपने अभी सवाल किया उसके हिसाब से इसी वास्ते पीपल्स पार्टी के जो मुकाबला इतना सख्त हो रहा है इस वजह से, पर हमें उम्मीद ये है कि आखिरी ये जो अभी एक 5-6 दिन बचे हैं इसमें हालात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं। पार्टी के जो भी हैं सीनियर क्यादत है जो इधर के हैं उनको भी सबको इकट्ठा किया और सब पे यही बात की है कि भाई अभी दिलो जान से काम करो और पीपल्स पार्टी के लिए, और जमील की बात नहीं उस कैंडिडेट की, ये पीपल्स पार्टी की बात है, कैंडिडेट कोई भी उसको जितवाना है यहाँ पे। ठीक है, मसले मसाइल हैं, उसके बाद हमारे से बातचीत ये करते हैं कि बाद में क्या होगा, उसी के लिए हम अभी इधर आए हैं और ये बैठ के उस कैंडिडेट के साथ हम ये मसला पब्लिक का जो हमें हमारे से सवाल होते हैं वो हम मसला हल करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये शिकायत का मौका। कल बिलाल साहब भी आ रहे हैं मोजरोड़ों से लेकर मंदिरों तक एक रैली की सूरत में, तो कैसा समझते हैं कि यहाँ पर लोग निकलेंगे होंगे या डिवीजन जाएंगे, किस तरह की रैली होगी? मेरा ख्याल मेजॉरिटी जो है PS-11 के हैं और ज़ाहिर है PS-12 इकट्ठा ही है, शहर ही है पूरा। बाहर से कितने लोग आ सकेंगे मैं समझता हूँ वो इतना रेलिवेंट नहीं होगा। पावर शो जो आप बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है लड़काना का है और जो कोऑर्डिनेशन है और जो काम कर रहे हैं हम लोग वो इसी पैटर्न पर कर रहे हैं कि लड़काना के लोग जो है वो निकले बाहर और वो आए और उससे मेरा ख्याल सपोर्ट पीपल्स पार्टी को काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी पर नैब हावी है, कार्रवाइयाँ मुसलसल कर रही है, उसको आप क्या देखें? एक तो नैब ने जो शुरू से जब से PTI गवर्नमेंट आई है मेरे हिसाब से तो वन साइडेड हो रहा है काम, तो ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं बोला कि हम तहकीकात रोकी जाए या करप्शन के खिलाफ आप क्यों कर रहे हैं ये काम, जो करप्ट है बेशक आप पकड़ें उसको, पर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है ये जब आप इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो फिर और सरगर्म हो जाते हैं, जो आपने देखा है पिछले 2 दिन में जो हुआ है, हो सकता है और सरगर्म हुए, हमें भी शक ये पड़ रहा है इन बिटवीन ये 5-6 दिन में, ये होना नहीं चाहिए। इसको हम साफ सीधा एक टूल समझते हैं धांधली का।